हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इधर टाइम हो रहा है सुबह का 7 और चल रही है नाश्ते और लंच की तैयारी। तो आज टिफिन में अयान लेके जाएगा सैंडविच और खा के जाएगा आलू का पराठा। तो बस आलू छील लूँगी मैं, और ये आलू मैंने रात को ही उबाल के रख लिए थे और आलू छिल गए। साथ के साथ इधर बन रही है मेरी चाय, तो बस दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। मैं चाय पीती रहूँगी और काम करती रहूँगी। तो बस इधर आलू वगैरह छील लिए थे, मसाला बना लिया था, और अयान के लिए मैं जल्दी से आलू का पराठा बना दूंगी। तो पराठा वो खा के चला जाएगा और सैंडविच वो लेके चला जाएगा। तो बस सैंडविच बन गया है, अब जल्दी से मैं अयान का टिफ़िन पैक कर दूंगी, हस्बैंड का भी टिफ़िन मैं पैक करके दे दूंगी, क्योंकि साथ में आज मुझे भी जिम जाना है। और आज फाइनली मेरा जिम का टाइम आ गया है जाने का। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आएगा और मैं अपना जिम फिर से स्टार्ट करूँगी। अयान की ना विंटर की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी दिसंबर से, तब से मैं जिम नहीं जा रही हूँ। तो बीच बीच में ना मुझे बड़ा याद आ रहा था कि मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। तो बस जल्दी से मैं जो है अयान का जो टिफ़िन पैक कर दूंगी, सारे मखाने वखाने फ्राई करके उसका रख दूंगी। उसके बाद इन लोगों को टिफ़िन देने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी साथ में निकलना, और साथ में निकलती हूँ ना तो सबका सही रहता है। मतलब अयान को स्कूल छोड़ देते हैं, ये मुझे जिम छोड़ देते हैं, ये ऑफिस चले जाते हैं, फिर मतलब मुझे भी टाइम मिल जाता है जिम करने के लिए अच्छा खासा। इसीलिए मैं साथ में निकलती हूँ, जाने को तो मैं बाद में भी जा सकती हूँ तो फिर उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए मैं इन लोगों के साथ में ही निकलती हूँ, ताकि मुझे भी अच्छे से जिम में करीब 1 से 1.5 घंटे मिल जाए। तो बस फाइनली इन लोगों का टिफ़िन इनके बैग में रखने के बाद मैं चेक करूंगी अपना बैग कि मेरे बैग में मेरी वाटर बॉटल, मेरी टॉवल, मेरे ग्लव्स रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि करीब 1.5 महीने बाद ही मैं अपना जिम का जो बैग है वो चेक कर रही हूँ। ऐसे तो बस जिम छोड़ा था तो बैग भी मैंने उठा के रख दिया था, तो फाइनली मेरे बैग में सब कुछ था और मैं रेडी हो चुकी थी। तो बस चलिए अब निकलते हैं हम लोग जिम के लिए काफ़ी टाइम बाद। तो बस इधर हम तीनों लोग निकल गए, अयान को छोड़ देंगे हम लोग उसके स्कूल, और जब अयान जाता है
है तो उसका ये मुंह देखिए, थोड़ा सा मुंह बन जाता है, मतलब उदास सा हो जाता है, तो देख के तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, स्कूल भी ज़रूरी है। तो बस अयान चला गया अपने स्कूल, और बस अब मैं निकल रही हूँ जिम के लिए। बस अभी 2 मिनट में मैं अपने जिम पहुँच जाऊँगी। और मुझे ना आज जिम जाके इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या ही मुझे मिल गया हो। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30, और बस अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। वर्कआउट हो गई है मेरी ख़त्म, जिम भी खाली हो गया है, जिम में भी कोई नहीं है। और मैं आई थी करीब 10:45, 11:30 बज रहे हैं। आज ज़्यादा वर्कआउट नहीं की है क्योंकि करीब मैं 1 डेढ़ पौने 2 महीने बाद आ जाई हूँ, तो आज मैंने नॉर्मल हल्की फुल्की वर्कआउट की है। 2-4 दिन मैं ऐसे ही करूँगी, मिक्स वर्कआउट एंड हल्की फुल्की। उसके बाद फिर मैं मंडे से प्रॉपर अपने रूटीन में आऊँगी, मतलब रेगुलर जो हैवी वेट से मैं वर्कआउट करती थी वो करूँगी। अभी काफ़ी दिन का गैप था तो इसलिए लाइट वेट से कर रही हूँ। और बस अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। पहुँचते पहुँचते मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे, दूध लेते हुए जाना है, घर जाके काम भी करना है। काम कुछ करके नहीं आई थी, अब जाके करूँगी। और जब तक काम वाम थोड़ा बहुत ख़त्म होगा तब तक अयान के आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए मैं निकलती हूँ घर के लिए। तो बस अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। मैं हो गई रेडी, बन गई हूँ डाकू फिर से। और बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश बारिश वाला मौसम फिर से लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो चलिए निकलते हैं घर। क्या हुआ ये देखिए, क्या हाल, बस तोड़ दिया इसको। ये है तो एम्बुलेंस, ये लो अपनी एम्बुलेंस। और ये तोड़ दिया ना तुमने, तोड़ दिया ना। ओके, यू ब्रोक इन। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? अयान, अयान एम्बुलेंस किसने तोड़ी, एम्बुलेंस किसने तोड़ी, अयान किसने तोड़ी? खाना खाओगे, खाना खाओगे? एम्बुलेंस ब्रोकन, खाना खाओगे? क्यों, खिचड़ी? नो खाने है, खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी खाओगे अयान? खिचड़ी खाओगे? बोलो खिचड़ी खाओगे? खाओगे खिचड़ी? हाँ ठीक है, आई इधर मैंने बनाई है खिचड़ी, जो कि हम दोनों के लिए है। वेरी गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है 7:00, और बस अभी मैंने चाय पी है अपनी, ये देखिए चाय पी के ख़त्म भी कर दिया है। और अयान के लिए बनाया था पॉपकॉर्न, अयान अंदर अपने पॉपकॉर्न खा रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि आज काफ़ी टाइम बाद जिम किया था ना, तो बस मैं दिन भर तो काम करती रही अयान के साथ, दिन कटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेटी तो और ज़्यादा आलस आ गया। काम कर रही थी तब तक आलस नहीं आ रहा था, जैसे ही लेटी आलस आ गया।
तो बस अब करनी है डिनर की तैयारी। डिनर में बनाऊंगी आज ज़्यादा कुछ नहीं, सोया मलाई मलाई सोया चाप बनाऊंगी और बाकी कुछ नहीं बनेगा। अयान को अगर खाना होगा अलग से तो उसके लिए आलू का पराठा बना दूंगी और उसकी खिचड़ी भी रखी हुई है। तो बस अब जा रही हूँ, सोया चाप फ्रिज में रख के उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रखूँ, उसके बाद बस तैयारी करूँ। ये भी आने वाले होंगे तो बस आधे घंटे में बन जाएगा। ये देखिए बर्फ जमी हुई है। इसको मैं थोड़ी देर बाहर रखूंगी ताकि ये ना इजीली स्टिक से निकल जाए क्योंकि इसमें बर्फ जम गई है। ले लिया मैंने ये मसाला, तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी, इसको मैं दरदरा सा पीस लूंगी। फिर मैंने ले लिए हैं ये थोड़े से काजू और ये अमूल की क्रीम। फिर मैंने दही के साथ पीस लिया। क्या इधर ये रोस्ट हो रहा है। इधर रोस्ट कौन कर रहा है? रोस्ट हम कर रहे हैं, फ्राई ये कर रहे हैं ना। और इधर ये देखिए प्याज भी कट कर लिया है, अभी इसको भी हम लोग हल्का सा फ्राई करके रोस्ट करेंगे। और कैसा लग रहा है ऑफिस से आते ही काम करने में, बोलो। काम फिर भी आसान है। क्या काम फिर भी आसान है? ये काम आसान है? अच्छा, मतलब मेरे काम आसान है ना सुबह से शाम तक। ये रोस्ट कर लिया है प्याज और सोया चाप। इधर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम लोग वही जो पेस्ट बनाया था काजू और दही का वो डाल देंगे, बाद में इसमें हम लोग डालेंगे ये क्रीम। ये लो खा के बताओ कैसा बना। खा के बताओ कैसा बना। बहुत ही पहले निकाल लिया सर। हाँ एक साथ निकाल लिया ना, एक साथ निकाल लिया। अब कौन बार बार निकाले, इसी में अयान भी खा लेगा ना, मेरा भी हो जाएगा। गरम हो रही है तो भी। अरे खा के तो बताओ कैसा बना। अच्छा बना। अयानू टेस्ट करो, टेस्ट करो। ये लेके आए थे भिंडी, साथ में बीन्स, बनाना। अभी मुझे इन सबको वॉश करके रखना है, तो बस इन सबको अभी वॉश करके रखूंगी। सबको जो फ्रूट्स हैं उसको बास्केट में रखूंगी और बर्तन आपको दिखाती हूँ। खाने जैसा खाना नहीं बना और हालत देखिए कि। तो अभी बस ये बर्तन वॉश करके रखने हैं मेरे के लिए, ज़्यादा हौच पौच ना हो
और चलिए इस वाले वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलूंगी आपसे एक अगले वीडियो में। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। I begin to